हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खुशबू ब्यूटी स्टूडियो। तो आज का हमारा वीडियो है स्किन डलनेस को कैसे खत्म करें। स्किन डलनेस आज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जिसको देखो सब बोलते हैं मेरी स्किन डल हो गई है, कैसे ठीक करूं। तो वैसे ही एक प्यारा सा कमेंट मुझे आया था पूनम सिंह सेंगर जी का। तो उन्होंने मुझे कमेंट में डाला था कि उनकी स्किन ग्लो नहीं करती है, उसको कैसे ठीक करें। तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाई जाए, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर का कमेंट है, हमारे सब्सक्राइबर का डिमांड है, तो पूरा करना तो हमारा काम है, क्योंकि आप सब हमारी यूट्यूब फैमिली हो। तो आप लोगों को भी कुछ वीडियो में से देखनी है, कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि वो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना सकूँ, ठीक है। तो थैंक यू पूनम जी इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। और स्किन डलनेस, ठीक है, आज की जो हमारी डेली की रूटीन हो गई है, जो हमारे खान पान हो गए हैं, भाग दौड़ हो चुके हैं, उसकी वजह से स्किन पर बहुत ही गंदा असर देखने को मिलता है। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रीज़न है हमारे स्किन डलनेस का, क्योंकि आज की लाइफ में हम भाग दौड़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जंक फूड पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, और अपनी स्किन की तरफ हम ध्यान नहीं। ध्यान कब जाता है? जब हमारी स्किन डल दिखती है। एक दिन हम आईने के सामने खड़े होते हैं और बोलते ओ गॉड, ये क्या हो गया, मेरी स्किन इतनी डल क्यों दिख रही है। लेकिन डल होने के पहले क्या आपने ध्यान दिया था? कभी नहीं दिया था। तो सबसे पहले तो आपको स्किन केयर रूटीन फॉलो करना चाहिए। स्किन आपको टाइम टू टाइम क्लीन रखना चाहिए। आपका स्किन, आप कहीं बाहर से आते हो तो आपको अपना फेस वॉश अच्छे से करना चाहिए। नाइट में सोने के पहले आपने कोई भी मेकअप किया हुआ है, वो सारे मेकअप रिमूव करके ही सोना चाहिए। कभी भी मेकअप के साथ नहीं सोना चाहिए। आप कितना भी थके हो, कितना भी बिजी हो, बट आपको मेकअप क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। तो ये है फर्स्ट रीज़न। और आप डलनेस कैसे खत्म करें? डलनेस बहुत इजी तरीके से खत्म कर सकते हैं। इसके लिए आपको बाहर से कोई महंगी क्रीम, फेस पैक, फेस वॉश, स्क्रब ये सब लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, स्क्रबिंग बहुत जरूरी है, वीक में वन टाइम आप स्क्रब कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी महंगे स्क्रब लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप सस्ते स्क्रब घर पे, जो किचन में हमारे प्रोडक्ट है, उससे भी आप स्क्रब कर सकते हो। बहुत सारे मैं आपको DIY प्रोडक्ट बताती हूँ, जिससे आप घर में ही घर के सामान से आप फेशियल भी कर सकते हो, स्किन केयर भी कर सकते हो, स्क्रबिंग भी कर सकते हो, फेस वॉश भी कर सकते हो। तो आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत पहले एक वीडियो भी बनाया था ब्रेकफास्ट के लिए, कि आप हेल्दी ब्रेकफास्ट क्या कर सकते हो। तो मैंने उसमें बताया था कि आप मॉर्निंग में फ्रूट्स खाना स्टार्ट करो। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखिए, बहुत हेल्पफुल है वो वीडियो सबके लिए। तो मॉर्निंग में फ्रूट्स खाने से सबसे पहले तो आपकी हेल्थ रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है अंदर से, वो भी ठीक होगा। और क्या आपको क्या करना है, जो फ्रूट्स के जो छिलके निकलते ना, छिलके जो आप फेंक देते हो, उसको फेंको मत, वो आप अपने स्किन पे यूज कीजिए। जैसे आप एप्पल खाते हो, एप्पल का छिलका अगर आप हटा रहे हो ना, तो छिलके को अपने फेस पे रब कर लो। रब किया, 15 मिनट रखा और उसको वॉश कर लिया। इससे अच्छा फेस वॉश आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये सबसे बेस्ट फेस वॉश है और बहुत इजीली आपको यूज, मतलब घर पे रहते ही है फ्रूट्स। तो आज के टाइम में जब से कोरोना कोविड चालू है, तो वैसे भी सबके घर में फ्रूट्स रहते ही। तो और जैसे आप पपाया खा रहे हो, पपाया हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैंने पपाया फेशियल भी बनाया आप लोगों के लिए, वो आप देख सकते हो, वो भी आप कर सकते हो। आप पपाया खाते हो, उसका जो छिलका निकलता है ना, उसको फेंको, लेकिन फेंकने के पहले उसको स्किन पे अच्छे से पूरा रब कर लो। आंखों पे आसपास भी आप कर सकते हो, बहुत ज़्यादा क्लोज में मत जाइए, पर इधर इधर आप रब कर सकते हो। इससे आपका डार्क सर्कल भी खत्म होगा। और अपने बनाना खाया, बनाना के छिलके से अपने स्किन को ऐसे ऐसे रब किया, 15 मिनट रखकर वॉश कर लिया। इस तरह से आप कोई भी फ्रूट खा रहे हो, वाटरमेलन खा रहे हो या ऑरेंज है, मौसम्बी है, जो भी फ्रूट्स आप खाते हो, वो सारे फ्रूट्स के छिलके आप अपने फेस पे रब कर सकते हो। इससे अच्छा फेस वॉश कुछ नहीं है, इससे अच्छा फेस मास्क कुछ नहीं है, ये इससे अच्छा फेस क्लिंजर कोई कुछ नहीं है। ये सबसे बेस्ट है आपके स्किन के लिए और आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये कोई भी क्रीम्स वगैरह लाने की जरूरत नहीं आपके स्किन डलनेस। तो पूनम जी, मुझे लगता है आपको आपका जवाब मिल गया होगा। आज से ही आप चालू कीजिए और आपका एक हफ्ते में आपको रिजल्ट दिख जाएगा। और रिजल्ट आने के बाद कमेंट में डालना बिल्कुल मत भूलना मुझे, कि आपको ये रिजल्ट कैसा आया, आपकी स्किन की ग्लो वापस आई या नहीं आई। और थोड़ा सा आप डाइट पे भी ध्यान दीजिए, हेल्दी चीजें खाइए, थोड़ा फ्रूट्स लीजिए, जूस लीजिए, नींबू पानी पीजिए और ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, सैलेड खाइए। तो ये सब चीज़ें भी आपको साथ में चालू करनी पड़ेगी आपकी वापस से स्किन ग्लो लाने के लिए।
तो बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ी डाइट चेंज कर दीजिए, थोड़ा सा योगा कर लीजिए, जो मैंने आपको फ्रूट के छिलके बताए वो यूज कीजिए, इसके बाद आपकी 100% श्योर है कि आपकी स्किन की ग्लो वापस आ जाएगी, या जो भी ये वीडियो देख रहा है उसकी स्किन में अगर ग्लो नहीं है तो भी आप कीजिए। अब आपको लग रहा होगा मेरी स्किन तो बहुत ग्लो कर रही है, लेकिन सच्ची में बताओ ना तो ये जो इतनी ग्लो दिख रही है ना, मतलब स्किन मेरी क्लीन है, बट जितना ज्यादा इसमें ग्लो दिख रहा है ना, ये पसीना है, क्योंकि मैं बहुत गर्मी में बैठ के ये वीडियो बना रही हूँ, एसी फैन सब ऑफ करके वीडियो बना रही हूँ, ताकि आपको मेरी आवाज क्लियर सुनाई पड़ सके, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो देखो मैं कितना पसीना बहा के आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, तो कुछ तो बात होगी ना ये वीडियो में। तो आप जरूर इसको ट्राई कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपकी स्किन भी बहुत अच्छी हो जाएगी, इससे अच्छा स्किन केयर आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी नया लेके। अगर आपको कुछ और देखना है, कुछ और जानना है तो कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।